कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको अब्दुल रहीम खाने खाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की एक ऐतिहासिक जगह जो आपको जरूर देखनी चाहिए और इससे अभी तक आप अनटच रहे होंगे। ये मैं आपको घुमाने वाला हूँ, मकबरा बहुत ही शानदार मकबरा है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ। ये है दोस्तों गेट नंबर 2 अब्दुल रहीम खाने खाना मकबरा का, जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपने एक दोहा सुना होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये जो दोहा है ये रहीम का ही दोहा है, जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं। आप ये बाग देख रहे हैं, ये बाग एक्चुअली में चार शहरी बाग है, जो कि सफदरजंग के अंदर भी है, जो कि हुमायूं के मकबरे में भी है, और यही बाग जो एक्चुअल में अब्दुल रहीम खाने खाना मकबरे में भी है। आपने राजा अकबर के 9 रत्नों का नाम सुना होगा, उनमें से एक ही है अब्दुल रहीम खाने खाना। आप ये सामने जो कमरे देख रहे हैं, एक्चुअली कमरे नहीं है, ये है आरामगाह। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिलेंगी सबके अंदर आपको ये आरामगाह जरूर मिलेगी, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, चाहे वो अब्दुल रहीम खाने खान मकबरा। जैसे ही दोस्तों मैंने इसके अंदर एंट्री करी, तो आप ये गेट देख सकते हैं जिसका लॉक लगा हुआ है, और इसी के अंदर से होकर एक रास्ता जाता है, जो एक्चुअली में रास्ता बंद है। जाहिर है ये अंडरग्राउंड रास्ता है, बट अगर इसके अंदर सामान देखोगे तो लग रहा है जैसे कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। इसका लॉक लगा हुआ है, ऊपर की डिजाइनिंग देखोगे तो बहुत ही शानदार डिजाइनिंग है, बट आप ही देख रहे हो आप कि कुछ ना कुछ इस पर अधूरा काम रह रहा है। आपको पता है कभी भी राजा अकबर ने धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया। उनके जो 9 रत्न थे उनमें एक का नाम था तानसेन यानी तन्ना मिश्रा, एक का नाम बीरबल यानी महेश दास, एक का नाम राजा मानसिंह और एक का नाम राजा तोडरमल, यानी धर्म को लेकर वो सारे धर्मों का सम्मान करा करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसलिए राजा अकबर को आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप इस बिल्डिंग में देखेंगे तो ये लाइट देख रहे हैं, ये एक्चुअली लाइट रात को जलती है। आरामगाह के जितने भी कमरे मिलेंगे सब में लाइट मिलेगी। जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरते हैं तो ये जो मकबरा है लाइटों से चमक। आरामगाह के अंदर एक और रास्ता है, जिस रास्ते को बंद कर दिया है, ये वही रास्ता है। फाइनली अब तो ये बंद हो चुका है, बट पहले कभी इसमें जाना हुआ करता था। हमने बहुत ट्राई किया अंदर देखने का, बट कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी दोस्तों हम बाहर होकर अब उसके मेन रास्ते से हम मकबरे पर जाने वाले हैं। क्या आप जानते हो खाने खाना किसे कहते हैं और ये उपाधि क्यों दी जाती थी? ये एक्चुअल में अब्दुल रहीम को मिली थी और उनके पापा यानी बैरम खान को मिली थी। चलिए पहले मैं आपको अंदर घुमाता हूँ। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये भी एक्चुअली बंद कर दिया है, और ये रास्ता भी अंदर जाता है, इसको भी बंद कर दिया है। और यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा आप डर सकते हो, क्योंकि इस पूरे मकबरे में आपको केवल 2 या 3 ही लोग मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं। अगर मैं ऊपर से आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए अभी भी इसकी हालत खस्ता है, ये अभी भी आधा बना हुआ है, पूरा बना हुआ नहीं है। ये इसके बाहर का नज़ारा देख सकते हो, और इसी के अंदर एक्चुअल में अब्दुल रहीम खाने खाना और उनकी वाइफ दोनों की कब्र मौजूद है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों खाने खाना का मतलब हुआ करता था खासम खास, यानी बादशाह के बाद सबसे बड़ी कोई पोजीशन थी तो वो खाने खाना उपाधि थी। ये उपाधि जो अब्दुल रहीम उनके फादर बैरम खान को भी खाने खाना उपाधि मिली थी, और अब्दुल रहीम को भी खाने खाना उपाधि मिली थी। आप ये जो 2 कब्र देख रहे हैं, एक कब्र है महाबानो यानी अब्दुल रहीम की वाइफ की, और एक है अब्दुल रहीम की। एक्चुअली अब्दुल रहीम की जो डेथ हुई थी वो आगरा में हुई थी, बट उनकी इच्छा थी कि मुझे जो है पत्नी के साथ ही दफन किया जाए, इसलिए उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें दिल्ली में दफन किया गया। ये जो मकबरा देख रहे हैं आप, एक्चुअल में खुद जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाया था, क्योंकि वाइफ जो है पहले ख़त्म हो गई थी। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए,
और ऊपर की आप जो अगर पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये एक्चुअली ये तो अब रिनोवेट किया गया है, दोबारा बनाया गया है। 9 साल पहले इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसके पत्थर तोड़े जा चुके थे, इसका सब कुछ उखाड़ लिया था। और बता रहे हैं कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक्चुअली में यहाँ रखी हुई है बहुत पहले समय से। अब पहले की कब्र कितनी बड़ी होती थी, बाप रे। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास है, बहुत ही नज़दीक है, आप यहाँ आसानी से आ सकते हो। ये सब गेट देख रहे हैं, ये एक्चुअली बंद कर दिया है। ये इस चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाओगे आधे से ज़्यादा इन लोगों ने गेट बंद कर रखे हैं, यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते। इसी के बाद दोस्तों जो रूम है, इस रूम के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 गेट पड़े हुए हैं। हालांकि गेट तो नए लग रहे हैं, यानी इसका मतलब यहाँ काम चल रहा है, बट फिलहाल जो है काम रोका गया है यहाँ। और मैं अगर बताऊँ आपको तो इस पूरे मकबरे के अंदर मैं ही एक इंसान हूँ, इसके अंदर एक मेरा भाई है, हम 2 लोग हैं, बाकी कोई है ही नहीं इसके अंदर। अगर मैं बाहर से आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ से इसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है जो आज की डेट का है, हालांकि ऊपर देखोगे तो अभी भी पत्थर लगे हुए नहीं हैं, बट फिलहाल ये है। अब मैं आपको 9 साल पुरानी वीडियो दिखाता हूँ कि इसकी स्थिति क्या थी। ये देख सकते हैं, ये है 9 साल पुरानी तस्वीर, सब कुछ उखाड़ लिया था इसका। और ये बताया गया था कि सफदरजंग जो है मकबरे वहाँ लगाएंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं लगाया गया, यानी ये अभी 9 साल पहले की तस्वीर है। देख लीजिए कितना भद्दा लग रहा है, कितना बेकार लग रहा है। ये हमारे देश की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी स्थिति है इस समय। ये जो मकबरे का चबूतरा देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है सफदरजंग का, यानी इसी की तर्ज पर सफदरजंग का चबूतरा बनाया गया था। ये पानी का इन्होंने इसको स्टॉक करने के लिए जगह बनाई गई है, और पानी के स्टॉक के बराबर में आप देखेंगे नाली है, और नाली के नीचे भी अगर देखोगे पतनाला है, तो यहाँ से पानी होकर जाता था। और दूसरी साइड भी इन्होंने एक स्टॉक करने के लिए बनाया है, बट वो जगह खूबसूरती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी खूबसूरती जगह अच्छी लग रही है। एक्चुअली में मैंने सफदरजंग का जो ब्लॉग शूट किया था बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ भी देख सकते हो। हाँ, बट सफदरजंग में ये वाला जो है पानी का स्टॉक ये वाला नहीं है, बट नाली इस तरह की है वहाँ भी। यहाँ से ये एक्चुअल में इसका चबूतरा है, और ये एक्चुअल में ऊपर से आप ये देख सकते हो इस तरीके से ये लगता है। अब मैं आपको नीचे लेकर जा रहा हूँ अब्दुल रहीम जी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ से आप अब्दुल रहीम जी खाने खाना उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ये लेफ्ट साइड में है, बहुत ही शानदार इनके बारे में वर्णन किया गया है। अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि लाहौर में पैदा हुए थे, इनका पिता का नाम जो था बैरम खा था, उन्हें भी उपाधि जो मिली थी वो खाने खाना की, क्योंकि जब अकबर 13 साल के थे तो अकबर के वो टीचर थे, तो जाहिर है अकबर के टीचर होंगे तो वो खास ही होंगे। इनकी भाषा शैली जो थी वो अवधी थी, ब्रजभाषा में इन्होंने कविता लिखी थी, 300 से ज़्यादा दोहे ये लिख चुके हैं, ये इनकी खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत जो है इनकी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया है। फारसी भाषा इन्हें अच्छी आती थी, उस भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। संस्कृत इनकी बहुत अच्छी रही है, चाहे वो काव्य की बात करें उसमें भी ये निपुण रहे हैं। यहाँ से देखोगे रहीम और रामायण को ट्रांसलेट किया है, और रहीम और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया है। बट ये पढ़िए आप, मुग़ल बादशाह अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत भाषा में और फारसी भाषा में महाभारत को ट्रांसलेट किया, यानी ये किसने किया था, ये राजा अकबर ने कराया था, मुग़ल अकबर ने कराया था। तो यहाँ से साबित होता है कि वो सारे धर्मों का सम्मान करा करते थे। यहाँ से आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि एक दोहा सुनाया था, मैं दोबारा सुना रहा हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जो प्रेम का धागा है उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर एक बार वो टूट गया तो वो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ भी गया तो उसकी जो गांठ है वो कभी जाएगा नहीं। जब अब्दुल रहीम 5 साल के थे तब इनके फादर जो बैरम खा थे उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनको मार दिया गया था। निज़ामुद्दीन लोकेशन पर बहुत सारे मकबरे हैं, अगर आप करीब से देखोगे तो ये है अब्दुल रहीम खाने खाना,
और उसकी बगल में जो है वो है हुमायूं टोम, और भी बहुत सारे यहाँ मकबरे हैं। आप आइए और इस लोकेशन पर जाकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप दिल्ली भी हैं और निज़ामुद्दीन के आसपास है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए रियल मोहम्मद दरवाज़। अल्लाह हाफिज़।